हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्टूडेंट पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 इयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हजारों बच्चों को आईआईटी एंड डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद यू नो फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, गैस डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट याद है आपको, कितना खूबसूरत है ना। और मैं हमेशा टाइमलाइन की बात करता हूँ। अगर आप टाइमलाइन चार्ट पे इसको देखते हैं कैसे कैसे समय के साथ इम्प्रूवमेंट हुआ, तो आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। वाह, इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतने सारे लोगों ने एग्जॉस्टिव वर्कआउट किया तब यहाँ तक बात निकल के आई। और इसमें खास बात क्या थी? इसमें खास बात ये थी कि अगर आप डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस बदल देते हैं तो जो एनोड रे निकल रहा है उसके क्यू बाई एम की वैल्यू बदल जा रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल चार्ज पार्टिकल। अच्छा, एनोड रेज गोल्डस्टीन साहब ने शुरुआत कर दी थी, हालांकि वो एनोड रेज के विषय में बहुत सारी चीज़ें अभी निकालना बाकी रह गया था, जैसे चार्ज बटे मास की वैल्यू है ना बच्चों, उसके विषय में बाद में रदरफोर्ड साहब ने काम किया। ओके, न्यूट्रॉन चैडविक साहब ने, आपको याद है कैसे किया था? मैंने कहा था ना कई बार एग्जाम से पूछा गया है, बेरिलियम की पतली शीट के ऊपर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, तो क्या हुआ? कार्बन 12 निकला प्लस न्यूट्रॉन प्लस ढेर सारा एनर्जी, तो वहाँ से न्यूट्रॉन निकला। और इतना लेट लतीफ क्यों हुआ इसी खोज होने में? 1932, बता दो भाई, इसलिए क्योंकि ये न्यूट्रल होता है, रिस्पॉन्स ही नहीं करता था, इसको जानने में बहुत टाइम लगा। लेकिन न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को इस बात का आइडिया लगा कि देयर मस्ट बी अ न्यूट्रल पार्टिकल विच स्टेबलाइजेज द न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो द अ बिगेस्ट वाइटल कंपोनेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, फॉर न्यूक्लियर फोर्स, यू नो। सो एक्सरे, विलियम रोंटेगन साहब 1895, याद आ गया आपको, टारगेट मेटल डेंस मेटल के ऊपर कैथोड रे की बम्बार्डिंग किया। आपको लास्ट वाला GIF याद है बच्चों? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल, ये जिस रेंज में लिखा गया है उसी रेंज में इनका पेनेट्रेटिंग पावर भी तो होता है अल्फा से। आपको याद है GIF पिछली क्लास का? अल्फा एक पेपर को नहीं छेद पा रहा था, पेनेट्रेट कर पा रहा था, बट बीटा कर दे रहा था, लेकिन बीटा एल्युमिनियम को नहीं पेनेट्रेट कर पा रहा था, गामा कर दे रहा था लेकिन गामा लेड को नहीं कर पा रहा था। और बीटा और गामा के बीच में कौन आता है बच्चों? एक्सरे आता है। थॉमसन से एटॉमिक मॉडल, थॉमसन साहब ने कहा कि चूंकि एटम न्यूट्रल है और निगेटिव उनको मिल चुका था तो पॉजिटिव भी जरूर होगा, एटम स्टेबल होता है तो इट मस्ट बी स्फेरिकल, चूंकि जितनी भी दुनिया में चीज़ें स्टेबल हैं सबके सब सिमेट्रिकल होती हैं, एंड स्फेयर इज यू नो बिग सिमेट्री, उससे अच्छा सिमेट्री और क्या होगा। तो ये थॉमसन साहब ने कहा कि पूरा एटम पॉजिटिव का बना हुआ है और नेगेटिव उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे तरबूज में उसका बीज नेगेटिव हुआ और पूरा तरबूज बच्चों पॉजिटिव हुआ। ओके, मतलब उसका पूरा मास और पूरा चार्ज पूरे स्फेयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बोला था थॉमसन साहब ने। और उसी समय एक इनो वैज्ञानिक थे नागाओका साहब, मेरे नाम से मैच कर रहे हैं क्या? थोड़ा बहुत मैच कर रहे हैं, लिटिल बिट। इनका नाम है बच्चों नागाओका। कहाँ के होंगे, क्या आइडिया तुमको? ऑब्वियसली बिल्कुल सही सोच रहे हो आप लोग, ये जापान के थे, नाम से लग रहा है ना, होशिमोतो है ना, शिंजो आबे, लाइक नागाओका साहब। तो ये उसी समय जब थॉमसन साहब मॉडल दे रहे थे तो कह रहे थे कि गलत मॉडल है। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्या देखिए, ऐसा है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे में घुस के नहीं रह सकते एक साथ, वो भी स्टेशनरी स्टेट में, उनको मोशन में रहना पड़ेगा। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि ये मोशन बता नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा पॉजिटिव का बना हुआ है, निगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये मॉडल सही नहीं है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। सो ही हैड सजेस्टेड, नागाओका साहब जापान के साइंटिस्ट थे, बहुत ज़्यादा विद्वान थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड चक्कर मार रहा होगा तभी स्टेबल होगा, बट एट दैट टाइम ही डिडंट हैव एनी
आइडिया अबाउट दैट क्यों ऐसा हो रहा है, बट उनको लगा ऐसा बेस्ड ऑन हिज ओन थ्योरीज, जो लॉ ऑफ नेचर जो फिजिक्स की थ्योरी थी, तो उनको ऐसा लगा कि ये पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ घुस के स्टेशनरी स्टेट में नहीं रह सकते, ना रेस्ट स्टेट में नहीं रह सकते, तो क्या होगा। इनका मानना था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अराउंड में चक्कर मारेगा। लोग पूछा क्यों, क्या नहीं पता, बट ये जरूर है कि वो स्टेबल तभी होगा जब चक्कर मारेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब हम पढ़ते हैं आज का, लेकिन इसके पहले जो हमने पढ़ा इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन का ट्राई कर लेते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं बच्चों, ये थॉमसन जो एटॉमिक मॉडल था ना, इस मॉडल को एक और महान केमिस्ट्री के विद्वान, मतलब गजब के लॉर्ड, उनका नाम था लॉर्ड केल्विन, ने भी इस मॉडल को दिया था, लेकिन थॉमसन साहब का नाम ज़्यादा सामने आया क्योंकि इन्होंने एक्सपेरिमेंटल बहुत सारी चीज़ों को, आप कोई बात कहते हो और उसको वेरीफाई करते हो एक्सपेरिमेंट से तो ज़्यादा प्रभावशाली इफेक्टिव हो जाता है। तो लॉर्ड केल्विन साहब ने सेम मॉडल दिया था जो थॉमसन साहब ने दिया, बट जस्ट बिकॉज ऑन बिहाफ ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन यू नो फिजिक्स थ्योरीज उसके बिहाफ पे बोला इन्होंने, बट ही डिडंट परफॉर्म यू नो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। ये थॉमसन साहब ने किया था बच्चों। तो लॉर्ड केल्विन और थॉमसन साहब का मॉडल तो सेम है, बट उसको नागाओका साहब उसको कैंसिल मार रहे हैं। अब देखते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ओके नाउ सी, जल्दी से रेडी हो जाओ आप लोग। ओके, विच मेटल हैज हाइएस्ट मैलिएबिलिटी, डू यू नो मैलिएबिलिटी, आप लोग मैलिएबिलिटी जानते हो बच्चों। मेलिबिलिटी मतलब किसी चीज़ को पीट पीट के चादर बना देना, पतली चादर, तो जितना ज़्यादा उसको पतला कर सको। तो कौन ऐसा मेटल है जिसको सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है, पीट पीट के पतला किया जा सकता है, जिसकी चादर बनाई जा सकती है, जिसकी प्लेट बनाई जा सकती है। गोल्ड, प्लेटिनम, एल्युमिनियम एंड कॉपर। जल्दीबाजी में गलती करने की ज़रूरत ना है बच्चों, गोल्ड की मेलिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। तब लोग बहुत तेज़ हो यार, वेरी गुड बॉयज़। तो बच्चों अब यह है कि ये बातें क्यों की जा रही हैं यहाँ पर, तो इस चैप्टर में हम लोग गोल्ड का यूज करने वाले हैं, हम लोग नहीं यार, ये तो हिस्टोरिकल टाइप में चल रहा है। रदरफोर्ड साहब ने यूज किया गोल्ड का, और उसका रीजन क्या था कि गोल्ड बहुत मेलिएबल था, तो गोल्ड की मेलिएबिलिटी की वजह से रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड को यूज किया था। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फटाफट ट्राई करो। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज, ये बेस्ड ऑन मेमोरी है तो आपने कहीं पढ़ा होगा, बताना है न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती होगी, क्या आइडिया आपका। न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि तुम पचा नहीं पाओगे कितनी ज़्यादा होती है। बाय द वे मैं भी आज वैल्यू बताता हूँ, और इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इस चैप्टर में लोग न्यूक्लियस की डेंसिटी निकालने वाले हैं। अगेन हम लोग नहीं यार, हम लोग तो पढ़ने वाले हैं। रदरफोर्ड साहब ने निकाला था, और इसे वेरी 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 हाई वैल्यू, सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा होती है। बाय द वे बच्चों, ए आंसर दोस्तों ने बताया बिल्कुल सही है, और जब ए सही है तो सी भी सही होगा। क्यों, एक मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, पता है ना आपको, और 1 लीटर में मतलब 10^3 लीटर और इंटू 10^3 मिलीलीटर, यस ये हो गया 10^6 मिलीलीटर। तो इतना बाई 10^6 करेंगे अपने, कितना जाएगा, आ जाएगा 2.3 × 10^11 kg/mL। यही तो सी है बच्चों। अब जरा सोचो, आपको पता है क्या कि 1 mL इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, पता है क्या आपको, 1 mL इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ यार, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा कोई चीज़ बनाए बच्चों, ओके 1 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर हम जो चीज़ रखेंगे वो 1 mL होगी। कितनी होगी वो, 1 mL। अब 1 mL कितना होता है तुम सोचते, एक बूंद होता है यार 1 mL, उसमें 2.3 × 10^11 kg, कैन यू थिंक कितना बड़ा नंबर है ये। मैं ज़रा सोचता हूँ यार, मेरे दिमाग में नहीं घुस रहा है भाई ये नंबर कितना बड़ा है। 2.3 × 10^ अगर मैं 6 करता हूँ तो ये हो जाएगा 2,300,000, ये हो जाएगा बच्चों 2,300,000, ये 2,300,000 kg, तो ये हो गया लाख kg इंटू, ये 10^6 ही है, 10^5 मतलब 2,300,000 × 1,00,000,
इतना किलोग्राम होता है सिर्फ एक मिलीलीटर में डेंसिटी, न्यूक्लियस के एक मिलीलीटर में 23,00,000 × 1,00,000 किलोग्राम होता है। कैन यू थिंक ऑफ कितना ज़्यादा है ये, मतलब यू नो यार करोड़ों हाथियों के मास के बराबर होगा, बाप रे बाप। तो डेंसिटी की न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी ज़्यादा है सोच के आश्चर्यचकित हो आप, ताकि एग्जामिनेशन में आए तो यू कैन क्लिक। सो बाय द वे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा करेंगे हम लोग, और ये रदरफोर्ड साहब ने बताया था, लेट्स डिस्कस इन दिस कंटेंट। तो आंसर विल बी ए एंड सी। मुझे उम्मीद है कि आपको न्यूक्लियस की डेंसिटी से कोरिलेट कर गए होंगे कि न्यूक्लियस की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, 23,00,000 या यू कैन जस्ट रिमेंबर इट 2.3 × 10^11 किलोग्राम पर ml और टू राइट ओके नाउ लेट्स सी। अब आज का कंटेंट देखते हैं बच्चों हम लोग, गाइगर मार्सडन एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब बच्चों ऐसा हुआ कि थॉमसन साहब ने जो एटॉमिक मॉडल दिया था वो तो मैंने कहा कि, या लॉर्ड केल्विन साहब ने दिया था, लॉर्ड केल्विन बहुत महान थे, लॉर्ड केल्विन साहब को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने सपने में देखा था, अब सपने में स्ट्रक्चर दिख जा रहा बताओ, और वो भी आज तक सही है, उसको हम यूज करते हैं, तो उनको नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला क्योंकि वो उसके टाइम के पहले थे वो, बट उनके केमिस्ट्री के चार नोबेल पुरस्कार मिले, चार में से तीन तो उनके चेलों को मिला, पहला शुरू का 1, 2, 4 में, पहला दूसरा चौथा उनके चेलों को मिला है। बाय द वे लॉर्ड केल्विन साहब ने थॉमसन साहब को मॉडल दिया था, बट उसी समय मैंने कहा नागाओका साहब इसका विरोध कर रहे थे और बहुत सारी चीज़ें आके आ रही थी। अब मैं बात करता हूँ रदरफोर्ड साहब की, रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड साहब बच्चों मैंने आपसे पहले भी चर्चा किया, इस चैप्टर को ना हम लोग स्टोरी की तरह पढ़ेंगे राइट, और थोड़ा साइंटिफिक डेवलपमेंट की तरह सीखेंगे। रदरफोर्ड साहब पहले से ही रेडिएशंस के ऊपर काम कर रहे थे, यू नो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पे काम कर रहे थे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स पे काम कर रहे थे, एंड ही वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम, बहुत ज़्यादा फेमस थे। तो उनसे मिलने के लिए हैंस गाइगर साहब, हैंस गाइगर ये जर्मन के एक फिजिक्स के विद्वान थे, तो ये उनसे मिलने आए, और उनके चेले थे मार्सडेन, मार्सडेन गाइगर के अंडर में अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कर रहे थे, बैचलर डिग्री कोर्स कर रहे थे फिजिक्स का, हैंस गाइगर साहब जर्मन के थे। तो वो वहाँ पे आए तो रदरफोर्ड साहब अपने कुछ भी रेडिएशन से काम को उनको समझाया और उनसे रिक्वेस्ट किया क्या आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, तो गाइगर ने बोला ओके। वो बहुत फेमस थे रदरफोर्ड साहब, तो बहुत ही खुश हो गए, कह रही इनका काम करने का मौका मिल रहा है। तो गाइगर साहब और मार्सडेन उनके चेले ने मिलकर के 1908 से 1913 के बीच में लगातार ये 6 सालों में, ये 5 साल नहीं 6 साल है, 1908 को भी काउंट करना है, 6 ईयर्स में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किया। आप जब बड़े होना तो इसको जरूर पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा कि लोग ये लोग कितना मेहनत करते थे और कैसे सोचते थे चीज़ों को, वंडरफुल यार, वंडरफुल ग्रेट। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने और उसका रिजल्ट निकाला था, और एक्सपेरिमेंट क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि आपको ये जानना जरूरी है कि रदरफोर्ड साहब रेडियो एक्टिव पार्टिकल रेडिएशन इन्हीं सबों के एक्सपर्ट थे, तो उनके अंडर में उनके गाइडेंस में ये लोग काम कर रहे थे, सो इनके लिए करना थोड़ा पॉसिबल था। बाद में गाइगर साहब ने एक गाइगर काउंट बनाया कि कैसे हम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को काउंट कर सकते हैं, इट्स अगेन अनदर फिजिक्स जो कि बड़े होकर आप सीखोगे कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स स्पेशली बीटा पार्टिकल जो रेडियो एक्टिव रेडिएशन में निकलते हैं उनकी काउंटिंग सिखाई थी गाइगर साहब ने। बाय द वे ये आपको ना अंदर से कौतूहल मचाना चाहिए, आपको मजा आना चाहिए, ग्रेट है यार। तो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर में, यू नो बाद में इसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, बताया कि एटम का पूरा मास न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, बताया कि पूरा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में कंसंट्रेट होता है, ये सारी बातें इन्होंने निकाली। इन्होंने न्यूक्लियस का रेडियस निकाला, न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाला इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे। एक बार इन लोगों को आप दर्शन कर लीजिए, मैं इनको प्रणाम भी कर लेता हूँ, बहुत महान थे यार ये लोग, फिजिक्स के विद्वान थे। जब इन लोग पढ़ता हूँ ना तो लगता है यार क्या गजब की चीज़ है भाई ये सब। तो ये हैं हैंस गाइगर साहब, ये हैं अर्नस मार्सडेन साहब उनके स्टूडेंट थे, और ये हैं रदरफोर्ड साहब। ओके बच्चों, बाय द वे रदरफोर्ड साहब के देख रेख में ये लोग काम कर रहे थे। ओके, धीरे धीरे हम इन सब बातों को कवर अप करते हैं। मतलब मेलेबिलिटी आपको पता होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मेलेबल कौन है बच्चों, गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर एल्युमिनियम, फिर कॉपर। ओके, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था गोल्ड का। तो इन्होंने क्या किया कि मैं उसका आपको दिखाऊंगा, एक पतली सीट गोल्ड की काटी।
गोल्ड की पतली शीट, ओके, बहुत ही पतली शीट, ओके, नाउ इनको पतली शीट काटनी है गोल्ड की बच्चों। अब पतली शीट कब कटेगी, जब पतली बन तो सके यार, मेलिएबल तो हो, तो एक उसका लेकर के उसको पीट पीट के बहुत पतला किया। अब कितना पतला किया उन्होंने, 100 नैनोमीटर के आसपास, वो जितना पतला हो सकता था। नैनोमीटर, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दैट, वो था 10^-5 सेंटीमीटर, मतलब 0.00001 सेंटीमीटर, इतना पतला। मुश्किल है ना, ये लोग काम कब किए थे, 1908 से लेके 1913 के बीच में। तो आप सरप्राइज करना कभी मत छोड़ना, ये आपको मजा देता रहेगा। उतने समय ये लोग इतना कितना वर्कआउट किए होंगे, क्योंकि जानते हो क्या है, जब मान लो हमें क्या करना था, हमें एक एटम तक पहुंचना था कि एक एटम कैसा होता है। तो अगर वो जितना मोटा होगा और उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे, हम कोई चीज़ डालते हैं तो बहुत सारे एटम से होके जाएगा। तो जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उनमें से एक एटम के बिहेवियर को निकालना मुश्किल काम है। तो उसको पतला से पतला करते जा रहे हैं ताकि हम एक एटम के क्लोज पहुंच सकें, राइट। अब मान लो कहीं पर 1000 लोग हों, 1000 लोगों से बातें करके एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का बिहेवियर बताना मुश्किल है। वो मास का बिहेवियर ऑन चलता है। कई बार जाओ तो लोग हंगामा किए रहते हैं, वो इंकलाब जिंदाबाद, 1, 2, 3, 4 बंद करो, अत्याचार करते रहते हैं। तो लगता है सब बदमाश है, सब आतंकवादी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें से इंडिविजुअल का बिहेवियर उसका बहुत अच्छा हो, बहुत कूल हो, लेकिन उस मास में जा रहा। तो मतलब अब एक का बिहेवियर पता करना, एक एटम का, क्योंकि थॉमसन साहब ने बोल दिया था कि पूरा एटम मास है, पूरा पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ है, निगेटिव यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एटम के अंदर घुसना चाह रहे हैं लोग कि रियली में कैसा है, तो इसके लिए बहुत पतला काटना है। तो डेफिनेटली गोल्ड चाहिए, और कितना पतला बता दिया मैंने आपको, बाप रे बाप, इतना पतला चाहिए। और एक आपके आश्चर्य के लिए, एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर, वो आश्चर्य कर रही है कि 0.0004 सेंटीमीटर, मतलब 4×10^-4 सेंटीमीटर अगर मोटा होगा गोल्ड, तो उसमें 2410 एटम्स होंगे, 2410 एटम्स होंगे, राइट। तो अब सोचो, हमें इसलिए और पतला करना पड़ा बच्चों। हमने क्या किया बच्चों, इस गोल्ड फॉयल के ऊपर ऊपर अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग की, अल्फा पार्टिकल दे मारा इसके ऊपर। अब अल्फा क्यों लिया, इसकी बातें करते हैं हम लोग। अल्फा पार्टिकल की छेदने की क्षमता, मैंने आपसे लास्ट क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। मान लो मुझे किसी मेरे पास 4-6 बच्चे हैं, उनका नॉलेज चेक करना है। मैं बहुत ही लड्डू सवाल पूछूं, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे मम्मी का नाम क्या है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो इससे उनका IQ, उनका इंटेलिजेंस मालूम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत हाई फाई सवाल पूछूं, मालूम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमें ऐसा चाहिए बच्चों जो कि जिस उद्देश्य से हम पूछ रहे हैं, उस उद्देश्य को वो रिफ्लेक्ट करे। मतलब अगर सवाल थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो तो उत्तर दे दे, और ना पढ़ा उत्तर ना दे पाए। सो वी कैन जज अबाउट हिज इंटेलिजेंस, हिज और हर इंटेलिजेंस। तो सिमिलरली अल्फा पार्टिकल का पेनेट्रेटिंग पावर बिल्कुल प्रॉपर था, जितना हमको चाहिए था, वो एटम तक अप्रोच कर रहा था, राइट। ये बात कौन बताया, रदरफोर्ड साहब ने, वो तो उसी के एक्सपर्ट ही थे। दूसरी बात, अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि एटम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे मेरे पास 10 बच्चे हों, उन्हें केमिस्ट्री का नॉलेज पता करना है, राइट। अब मैं फिजिक्स का बंदा भेज दूँ, जैसे IAS का इंटरव्यू होता है ना, जब केमिस्ट्री से कोई IAS दिया होगा तो उसका इंटरव्यू लेने के लिए केमिस्ट्री का एक बंदा वहाँ जरूर होगा। अब फिजिक्स वाला या बायोलॉजी वाला या हिस्ट्री वाला, हाउ ही कैन और शी कैन जज अबाउट द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री यार। सो अब मुझे पता करना है कि एटम के अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, मुझे ये पता करना है। ये पता करने के लिए हम चार्ज पार्टिकल डालेंगे, और आप जानते हो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, +2 चार्ज, हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका पेनेट्रेशन पावर प्रॉपर है, हीलियम का न्यूक्लियस है। तो इसको पहले ना लोग पोलोनियम या यूरेनियम से पैदा कर रहे थे, वो भी रेडियोएक्टिव मटेरियल होते हैं, पोलोनियम या यूरेनियम। बाद में रेडोन को, इन लोगों ने रेडोन को यूज़ किया बच्चों, रेडोन को, ये यू नो हजारों गुना 1000 times ज़्यादा रेडियो एक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू यूरेनियम, और इसमें अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो ये सोर्स के रूप में यूज किया, रेडोन 222 क्या है उसका मास नंबर। तो रदरफोर्ड साहब ने, या यू कैन से गाइगर मार्सडेन साहब ने, एक्सपेरिमेंट तो किसने किया था, गाइगर मार्सडेन साहब ने, किसके देख रेख में, रदरफोर्ड साहब के, उनके डायरेक्शन में कर रहे थे। तो रेडोन को यूज़ किया गया इसका अल्फा पार्टिकल को, ये चार्ज है, क्योंकि ये चार्ज है, क्योंकि इसका पेनेट्रेशन पावर प्रॉपर है,
और यहाँ से इसको यूज किया गया और थिकनेस यूज की गई थी इतना। मैं एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, तो आप इन चीज़ों को नोट करते जाना, समझते जाना, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यू नो, ठीक है। तो यू शुड नो ऑल दोज थिंग। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट पढ़ते हम लोग। अब देखो हमारा ये एक्सपेरिमेंट आ गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया बच्चों, एक मैं पहले बनाया था तो आप समझ में आएगा। एक मैं गोल्ड को दिखाना है तो मैं पीले रंग का ले लेता हूँ। एक पीले रंग की पतली शीट ली जो कि डेल्टा टी थिकनेस है उसका 100 नैनोमीटर या 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, यही है ना बच्चों, आपको याद है। देखो देखो ये आ गया, ये देखो 10 की पावर माइनस 5 सेंटीमीटर, ओके। इसको लिया हमने बच्चों और इसके ऊपर हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग कर दी, थोड़ा खतरनाक है, इसको लाल रंग से दिखाओ। अल्फा पार्टिकल जन तो ये देखो हमारा सोर्स है, यहाँ से ये रेडॉन है, रेडॉन कितना, रेडॉन लिखते हो यार 222। अब यहाँ पर हमने क्या किया बच्चों, लेड का वो बना दिया ताकि वो जहाँ से हम चाहते हो वहीं सिर्फ निकलने दे, उसे बाकियों को रोक दे, ओके। लेड का हमने चम्बा बना दिया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल निकला, झूम निकला यहाँ से अल्फा पार्टिकल और ये जाके इस पर टकराया। अब ये इसका स्कैटरिंग जब हुआ, इस पर टकरा के जब वो छितराता है, स्कैटरिंग होता है, तो क्या होता है, दैट इज़ यू नो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके विहाप पे हम लोग जाने कि एटम के अंदर संरचना कैसी है, एक हमको आइडिया लगा बच्चों। तो आपको इतनी बात तो समझ में आई कि हम लोग कर क्या रहे हैं, ओके। नाउ सो गोल्ड फॉइल लिया, इसकी थिकनेस बता दिया मैंने आपको, यहाँ देखो क्या हो रहा है, यू कैन सी, देखो ये गोल्ड फॉइल और ये देखो हमारा ये रॉड, ये अल्फा पार्टिकल, जस्ट सी बच्चों, डिलीट हो जाओ भाई, ओके। आप जरा देखो ये गया ना, देखना बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, देखो जैसे गए वैसे ही निकल गए, कुछ अल्फा पार्टिकल यू कैन सी चमक रहा है, पीछे आ रहा है, मतलब इसमें इस ऑब्जर्वेशन में क्या पाया गया कि जो ऐसे गया गोल्ड के ऊपर से अल्फा पार्टिकल, तो देखो मैक्सिमम चले गए वैसे ही जैसे जा रहे थे, यू कैन सी, आप देखो पूरा एक बौछार है भाई इनका, जैसे जा रहे वैसे ही पार हो जा रहा है। कुछ अल्फा पार्टिकल जैसी है ना, देखो कुछ अल्फा पार्टिकल बाहर बैक हो रहे हैं, इधर उधर एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यू नो व्हाट वी मीन बाय डिफ्लेक्शन, अगर कोई ऐसे जा रहा हो और वो ऐसे चला गया, ओके, तो हम इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, इट इज एंगल, ये जिधर जा रहा था से कितना बेंड कर गया, मुड़ गया, इट्स एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो ये है GIF, उसका एक सिंपल पिक्चराइज किया जा रहा है और ये आपको आइडिया दे रहा है कि कितना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं, यू कैन जस्ट इमेजिन, वो सारे ऐसे क्रॉस हो गए, कुछ देखो पीछे आ रहे हैं, बहुत ही कम। NCERT में दिया हुआ कि 20,000 में से सिर्फ एक बैक हुआ, बाकी सब वैसे ही चले गए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या पहले सोचा जा रहा था, क्या पाया गया, थॉमसन साहब ये सोच रहे थे बच्चों, अकॉर्डिंग टू JJ थॉमसन्स मॉडल और कैन से लॉर्ड कैल्विन मॉडल, यू नो एटॉमिक लेवल पे सॉलिड स्टेट मैटर नहीं करता, सॉलिड स्टेट बिहेवियर इज नॉट वर्क, वो वर्क नहीं करता है एटॉमिक लेवल पे, ये वर्क नहीं करता है, ध्यान रखो एटॉमिक लेवल पे ये वर्क नहीं करता है। तो ये थॉमसन साहब के मॉडल से ऐसा लग रहा था कि अगर हम गोल्ड के ऊपर अल्फा पार्टिकल को डालेंगे तो वहाँ सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, क्या काम करेगा बच्चों, वनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल वर्क, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करेगा, सिर्फ ये सोचा जा रहा था, ये तो काम करेगा ही नहीं। सॉलिड बिहेवियर, सॉलिड मतलब कि वो कोई सॉलिड चीज़ है गया और टकरा के बाउंस बैक हो गया, कैसे तो होगा नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा। क्यों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे में डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसका उन्होंने डेंसिटी निकाल लिया था। मैं आपको एक बात और मैंने डिस्कस किया बता चलूं कि थॉमसन साहब ने, थॉमसन साहब मॉडल है बच्चों, थॉमसन साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स मतलब सवाल बनाने का वो तरीका जिसमें न्यूटन साहब का यूज किया जाता है, जिसमें न्यूटन साहब ने जो मैकेनिक्स बताई उसका यूज किया जाता है, ओके। न्यूटन साहब ने जो भी तरीके बताए, फोर्स इज इक्वल टू ma, जो भी बातें बताई उन्होंने, वो सब बातें यूज करके थॉमसन साहब ने पता लगाया कि अगर इससे जाएगा तो क्या क्या होगा। तो दो निष्कर्ष निकाले, पहला कि देखिए अल्फा पार्टिकल पूरा क्रॉस हो जाएगा,
दूसरा कहें उसकी थोड़ी बहुत वेलोसिटी कम हो जाएगी। कहें क्यों कम होगी, तो कहें वो कम इसलिए होगी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से वो अट्रैक्शन रिपल्सन इट ऑल डिपेंड्स कि वो किसके करीब से निकल रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से उसकी कुछ स्लो डाउन हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल लिटिल बिट स्लो डाउन हो जाएगा। और ये कहोगे सर आप करिए यू नो ये आप हायर कोर्स से पढ़ोगे इवन नॉट इन योर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएशन के बाद। और क्लासिकल मैकेनिक्स का शानदार खूबसूरत यूज करके मैंने पूरा डेरिवेशन बच्चों पढ़ा है और सीखा है, अनफॉर्चुनेटली आपको शेयर नहीं कर सकता मैं। इन्होंने कहा कि मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यू नो जैसे जा रहा था और ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, क्या मैक्सिमम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो 0.0186 डिग्री होगा, इससे ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन हो ही नहीं सकता। ये सब बातें एक जो बच्चा जिसको साइंस सीखने का मन करता है ना उसको अंदर से हिला देगा, मजा आ जाएगा, अरे यार क्या था ये। तो थॉमसन साहब का मॉडल अपने यूज करते और अगर वो मॉडल सही होता तो गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट में एक तो अल्फा पार्टिकल थोड़ी वेलोसिटी कम हो जाती, ये कहाँ से मालूम चल रहा है, यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स और यू कैन से न्यूटोनियन मैकेनिक्स। दूसरा जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है बच्चों दैट विल बी नॉट मोर देन 0.0186 डिग्री और यू कैन से वेरी स्मॉल एंगल, इट विल रिफ्लेक्टेड बाई वेरी वेरी स्मॉल एंगल, ये तो उन्होंने सोचा। नाउ अब पाया क्या गया वो आप देख लो, जिसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो पाया ये गया बच्चों कि अल्फा पार्टिकल जो थे वो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, जैसा आपने पीछे जीआईएफ में भी देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल वैसे के वैसे पार हो गए, है ना, जैसे देखो ये वैसे के वैसे पार हो गए, कुछ हुआ ही नहीं, उनकी स्पीड में भी कोई चेंज नहीं आया, उनमें कोई डिफ्लेक्शन भी नहीं हुआ। तो कहीं ये क्या था, ये ऐसा लगा जैसे पूरा जगह खाली है, ऐसा लगा जैसे खाली जगह से होकर जा रहा अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल वैसे के वैसे क्रॉस हो गए जैसे कुछ बीच में आया ही ना हो। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट आउटवर्ड, वो दूर की तरफ गए, और बहुत कम अल्फा पार्टिकल, बहुत ही कम 20,000 में से एक, वो बाउंस बैक हो गए, जैसे गए वैसे ही लौट आए, है ना, 180 डिग्री से रिट्रेस देयर पाथ, ऐसे लगा जैसे बीच में कुछ बहुत मजबूत चीज रखा हुआ है, ऐसे लगा जैसे बीच में मास बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगा जैसे बीच में पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा है, अल्फा पॉजिटिव बच्चों, ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो उसको पेनेट्रेट नहीं कर पाया। अगर थॉमसन साहब सही होते तो अल्फा पार्टिकल हर जगह पेनेट्रेट करके चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो बच्चों देखो ये मॉडल में दिखाया जा रहा है कि मैक्सिमम जो है ऐसे चले गए, जैसे आया वैसे ही चले, कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए। एक शानदार बात और आपको बता दूं मैं साथ साथ में, मजा आना चाहिए ना भाई, एक खूबसूरत बात मैं आपको और सिखा दूं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि देखो ये न्यूक्लियस है, क्या देखा गया बच्चों कि न्यूक्लियस से बराबर दूरी पर, मान लो ये इसको बोलते हैं सेंट्रल लाइन, ये बहुत टफ काम है, आसान काम नहीं है ये काम, गाइगर साहब और मार्सिडन जी इसलिए कर पाए क्योंकि रदरफोर्ड के अंडर में उनके बिहाफ पे काम कर रहे थे, तो उनको उनका उनके नॉलेज उनके एक्सपीरियंस का फायदा मिला था। इससे बराबर दूरी पर जाने पर अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर बराबर पाया गया, मतलब मान लो ये वाला अल्फा पार्टिकल ये R1 दूरी पे है बच्चों, मैं कोई दूसरा कलर चूज कर लेता हूँ, ये अल्फा पार्टिकल अगर R1 दूरी पे है तो R1 दूरी पर इधर भी अगर वाला इसमें एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है अल्फा है तो यहाँ भी एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन अल्फा ही पाया गया, मतलब ऐसा लग रहा है कि बीच में कोई सिमेट्रिकल चीज़ है, सिमेट्रिकल मतलब स्फेरिकल चीज़ है जिसको अल्फा छेद नहीं पा रहा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट है, और ये भी लग रहा है कि बाकी सब तो यूँ चले गए, ऐसे चले गए, कुछ हुआ ही नहीं उनका, ऐसे चले गए, इसका मतलब बाकी पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, एम्प्टी स्पेस है। ओके नाउ इन सारे ऑब्जर्वेशन के को समअप किया गाइगर साहब ने और मार्सिडन साहब ने। ओके उन्होंने क्या क्या बताया, उन्होंने कहा कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है वो थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉयल के प्रोपोर्शनल है, ध्यान समझना ये ऑब्जर्वेशन का ऑब्जर्वेशन बता रहा है, दीज आर आउटकम्स ऑफ द गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, दीज आर आउटकम्स ऑफ गोल्ड फॉयल उनके एक्सपेरिमेंट का ये सब आउटकम है बच्चों। ओके वो ऐसा नहीं कि सोच रहे हैं ऐसा, उनका जितनी ज़्यादा गोल्ड फॉयल मोटा होगा उतना एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो रहा है,
और अगर हम गोल्ड की जगह कुछ और लेते हैं तो इसका एटॉमिक मास जितना ज़्यादा लेंगे उतना डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, और अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी अगर बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर मैं आपको बता चलूँ कि इन लोगों ने अल्फ़ा पार्टिकल की वेलोसिटी में बहुत काम किया है। मैं जब उनका थेसिस पढ़ा दंग रह गया यार, बहुत काम किया इन लोगों ने, उसकी वेलोसिटी को मेंटेन किया कि इतना रखेंगे तो हम ज़्यादा अच्छा ऑब्जर्व कर पाएंगे। ओके, तो बच्चों इनका अगर अल्फा पार्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। क्या 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बहुत ही कम पाया गया। क्या ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जैसे आए थे वैसे ही चले गए, अनडिफ्लेक्टेड जैसे आए वैसे ही चले गए। ओके, और कुछ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वॉज डिफ्लेक्टेड बाई स्मॉल एंगल, थोड़े बहुत एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थोड़े बहुत अल्फा पार्टिकल, और वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स, कितने 20,000 में एक। ये तीनों लाइन मैंने एनसीईआरटी से उठाया है, ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये सब पता होना चाहिए। वो डिफ्लेक्टेड बाई 180 डिग्री, 20,000 में से एक ऐसे थे कि जैसे गया वैसे ही आ गया, मतलब यहाँ पर उसको पेनेट्रेट नहीं कर पा रहा है। ये मत भूलना कि न्यूक्लियस से बराबर दूरी जाने पर अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर न्यूक्लियस नहीं बल्कि सेंट्रल लाइन बोलो एक ही तरह का पाया गया। अब सेंट्रल लाइन किसको बोल रहे हैं, जहाँ पर अल्फा पार्टिकल जैसे गया वैसे ही लौट आया, उससे बराबर दूरी पर डिफ्लेक्शन का बिहेवियर समान पाया गया। अब तुम सोच रहे हो कि इतना एक्यूरेट कैसे जान गए अल्फा पार्टिकल को, तो रदरफोर्ड साहब की हेल्प ली और ये आसान काम नहीं है, करने में 6 साल लगे, राइट। बट अभी हम लोग सिर्फ कंक्लूजन पढ़ रहे हैं बच्चों। नाउ रदरफोर्ड यूज्ड क्लासिकल मैकेनिक्स टू एक्सप्लेन अबव ऑब्जर्वेशन। मैं आपको ये बताता चलूं कि गाइगर साहब और मार्सडेन साहब ने एक्सपेरिमेंट तो किया, बट वो लोग इसे कंक्लूड नहीं कर पा रहे थे कि इसका क्या मतलब समझा जाए। हालांकि ये एक पॉइंट वाली बात नहीं है, बहुत सारी बातें लोग बता भी रहे थे। अल्टीमेटली रदरफोर्ड साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स से यूज किया, यू कैन से न्यूटोनियन, न्यूटन साहब ने जो मैकेनिक्स दिया उसका यूज किया इस बात को समझाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो भी मॉडल देने वाले हैं उस मॉडल को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स मॉडल। ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो 4 नंबर आपका यहाँ हो गया कि इनमें से कौन सा मॉडल क्लासिकल मैकेनिक्स का है, रदरफोर्ड साहब का मॉडल है। ओके, इन्होंने कहा कि ये इलास्टिक कोलिजन करते हैं, वो भी कैसा, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। इन्होंने कहा कि जो ये डिफ्लेक्शन हो स्कैटरिंग हो रहा है, कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, है ना, तो वो मतलब एक पर्टिकुलर एंगल से कितने स्कैटर्ड हो रहे हैं, तो क्या ये एस नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू कॉस 4 डेल्टा थीटा/2। मतलब मैं कहूँ कि 180 डिग्री से कितने स्कैटर्ड होंगे, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर, यू इफ यू वांट टू फाइंड 1 डिग्री से कितने स्कैटर्ड हुए, यू कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर। सो ये प्रोपोर्शनलिटी है बच्चों, राइट। तो ये रदरफोर्ड साहब ने कैसे निकाला था, बाय कंसीडरिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, बाय कंसीडरिंग मैकेनिक्स गिवन बाय न्यूटन साहब, एंड ही हैज यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ, ही हैड यूज्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी एक पार्ट है इसका इलास्टिक कोलिजन का। इलास्टिक कोलिजन में ये आपको फिजिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा बच्चों, फिजिक्स का यूज किया, यू कैन से इन्होंने फिजिक्स का यूज किया कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया, इस बात का यूज किया, और उन सब बातों के आधार पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मैथमेटिकली निकाला और अपना मॉडल दिया। ये क्या बोलते हैं, लेट्स सी नाउ रदरफोर्ड्स कंक्लूजन। अब ये क्या कंक्लूड करते हैं, हम लोग ये बात समझ चुके हैं, आप भी समझ चुके हो, रदरफोर्ड साहब कहते हैं कि पूरा एटम का मैक्सिमम जगह खाली है, और एनसीईआरटी में बहुत सुंदर सा इसके लिए, पता है एनसीईआरटी ऐसा लिखा है, अगर आप डूब के पढ़ते हो ना तो आप रियली साइंटिफिक हो जाओगे, आप आपके अंदर से साइंस नाम का बच्चा है वो बाहर निकलेगा। उसमें बनाया बताया गया है कि अगर आप न्यूक्लियस को एक टेनिस का बॉल मानते हो, टेनिस यू नो टेबल टेनिस बॉल, लॉन टेनिस बॉल, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 किलोमीटर दूर चक्कर मार रहा होगा। ये एक रिलेटिव साइज का बता रहा है ऑर्डर, कि अगर न्यूक्लियस को हम टेनिस का बॉल माने हैं तो जो इलेक्ट्रॉन हो पाँच, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर दूर चक्कर मारा, यू कैन थिंक बीच में सारा जगह क्या है बच्चों, खाली है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि एटम के अंदर मैक्सिमम जगह खाली है, इसलिए अल्फा पार्टिकल पार हो गया ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। थॉमसन से तो उल्टा हो गया, थॉमसन साहब ने बोला था पूरा मास बना हुआ है पॉजिटिव का, ये कह रहे हैं पूरा खाली है। दूसरा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एटम इज एम्प्टी, मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। ओके, नाउ पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इन्होंने क्या देखा कि कुछ पर्टिकुलर वॉल्यूम है उसके नज़दीक से कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहे हैं,
तो वो डिफ्लेक्ट कौन कर रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, मास इज कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, एंड दैट स्मॉल वॉल्यूम का नाम इन्होंने दिया था न्यूक्लियस। इसलिए इस मॉडल को हम लोग न्यूक्लियस मॉडल भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम, या इसको तुम रदरफोर्ड्स मॉडल बोल सकते हो, या इसको आप न्यूक्लियस मॉडल बोल सकते हो। क्लियर? इसको मैं न्यूक्लियस मॉडल ऑफ द एटम बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला बच्चों कि जो रेडियस ऑफ एटम है, रदरफोर्ड्स आपने कहा था वो 10^-10 मीटर के रेंज में होगा एटम का रेडियस, और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होगा 10^-15 मीटर। जो मैं आपको बताना चाह रहा था अभी कि वो टेनिस बॉल और 5 किलोमीटर दूर, उन्होंने कहा कि एटम का रेडियस 10^-10 मीटर में, मतलब दोनों के रेडियस का रेशियो 10^-5 का होगा, लेकिन वॉल्यूम में ये गलत हो गया, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बटे वॉल्यूम ऑफ एटम। तो वॉल्यूम में तो आर क्यूब होगा ना बच्चों, ये 10^-15 का रेशियो होगा, मतलब न्यूक्लियस का वॉल्यूम 10^-15 टाइम्स कम होगा। ये मतलब इतना कम है ना, सोच नहीं सकते हैं। मतलब एक मतलब यू नो 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10^15, यार वेरी 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 स्मॉल वैल्यू है ना। तो न्यूक्लियस का रेडियस 10^-15 मीटर में होता है, याद रखना, भूलना नहीं। एटम का रेडियस 10^-10 मीटर के रेंज में होता है। मास इज कंसंट्रेट इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, ये सब बातें किसने बोला? रदरफोर्ड साहब ने बोला। कंक्लूजन निकाला, कैसे निकाला? बाय यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स, ओके, ऑन द ऑब्जर्वेशन दैट हैड बीन परफॉर्म बाय हैंस गाइगर एंड अर्स मार्सडेन। ओके, नाउ एक फॉर्मूला है, नाउ साइज एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड साहब ने पूरा फिजिक्स का यूज करके एक फार्मूला दिया रेडियस ऑफ न्यूक्लियस के ऊपर। वो फार्मूला क्या बच्चों, चलो देख लो, आर इज इक्वल टू आर नॉट a^1/3। इसके ऊपर कभी कभी एग्जाम्स में सवाल पूछे गए हैं। चार नंबर इकट्ठा कर लो बच्चों। आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का रेडियस है। आर नॉट क्या है इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं रेडियस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1.4 × 10^-15 मीटर। 10^ याद रख सकते हो आप, ये 10^-15 मीटर के रेंज में होता है, तो इट इज़ 1.4 × 10^-15 मीटर। कहीं कहीं 1.4 ना लिख करके 1.33 भी लिखा होता है, बट एग्जामिनेशन में आप इसी को यूज करोगे, और सवाल में अगर ये भी दिया है आपको इन्फॉर्मेशन तो दैट्स वेल एंड गुड। अब ये मास नंबर है, तो इससे क्या समझ में आया बच्चों? जिसका मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका रेडियस उतना ज़्यादा होगा। मतलब कोई पूछे कि हाइड्रोजन, कार्बन और यूरेनियम में किसके न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा? तो ऑब्वियसली जिसका मास नंबर ज़्यादा होगा। अगर इसका मास नंबर अपने 235 ले लेते हैं, इसका मास नंबर 14, इसका मास नंबर 2, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि इसका मास नंबर ज़्यादा है, तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। क्लियर? किसका रेडियस? न्यूक्लियस का रेडियस। ये बात तो ऑब्वियस है यार, जिसका साइज बड़ा होगा तो उसका यू नो न्यूक्लियस भी बड़ा होगा। क्लियर? अब कितना बड़ा होगा दैट वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, नाउ कुछ और बातें आपको मैं सिखाता चलूँ। समझ गए बच्चों? अगर रेडियस निकालना होगा तो कर लोगे? मतलब आप कहें कोई कि यूरेनियम 238 के न्यूक्लियस का रेडियस बताओ, तो कहोगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 1.4 × 10^-15 मीटर इंटू ए इज इक्वल टू 238^1/3, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला यूज करना है, रेडियस आ गया किसका? न्यूक्लियस का। नाउ अब दूसरी बात सिखाता हूँ आपको। चलो भाई, अब यार रेडियस आ गया तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा? स्फेरिकली तो होता है कि बताओ न्यूक्लियस का वॉल्यूम कितना होगा, कहोगे 4/3 πr³। ये कितना होगा? बोलोगे 4/3 πr³। इसका क्यूब कर लो बच्चों, तो क्यूब करते ही मज़ा आ गया ना, मज़ा आया नहीं आया? वो a हो जाएगा नहीं, तो वॉल्यूम इज, तो ये सब तो कांस्टेंट है यार, तो कहोगे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जिसका मास नंबर जितना ज़्यादा होगा उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों कि बताओ ऑक्सीजन 16
और सल्फर 32 के न्यूक्लियस के रेडियस, न्यूक्लियस के वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, वॉल्यूम में क्या रेशियो होगा, मैं ये पूछूं आपसे तो बोलोगे 1:2 हो जाएगा, यस नो। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, जिसका मास नंबर, लेकिन रेडियस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेडियस इज 1/3 power, ओके। चलो ठीक है, अभी मामला खत्म नहीं हुआ है। मैंने क्या पढ़ा दिया आपको, मैंने पढ़ा दिया आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस। ये कहाँ से निकल के आया, ये कभी नहीं भूलना कि रदरफोर्ड साहब ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको अपने क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, का यूज करके गाइगर और मार्सडन के एक्सपेरिमेंट से बात निकाली थी, उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है ये कभी नहीं भूलना, ये याद रहेगा आपको तो आप तुरंत कनेक्ट हो जाओगे। नाउ अब बच्चों को डेंसिटी निकालना, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी किसका, न्यूक्लियस का, मास बाई वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो आपको पढ़ ही चुके हम लोग पढ़ चुके हैं ना भाई, हम लोग पढ़े हैं कि न्यूक्लियस का मास कितना होता है, AAMU के बराबर, एग्जैक्टली इतना होता है। एटम का मास एग्जैक्टली इतना नहीं होता, एटम के मास में यहाँ इलेक्ट्रॉन का मास नेगलेक्ट कर दिया गया है, जो कि नेगलेबल होता भी है, बट न्यूक्लियस का एग्जैक्टली इतना होता है AAMU। और वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, वॉल्यूम होता है 4/3 πr0³ है ना, इंटू ए, याद है आपको, अभी तो निकाला था हमने, क्या लिखा था, R इज इक्वल टू r0 a^3, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 πr³, मतलब r0³ × a, ये लिख दिया हमने। अब देखो a ऊपर भी है और a नीचे भी है, कट जाएगा, क्या आएगा, AMU/4/3 πr0³। यहाँ सारी चीज़ें पता है कि नहीं बच्चों हमको, AMU, do we know AMU, yes, do we know 4/3, yes, pi r0, everything we know, so from here we can calculate the density of nucleus, and the most important thing is that, जो सबसे important point है कि density of nucleus is independent of anything, कोई variable नहीं है इसमें, सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस का डेंसिटी, यूरियम के न्यूक्लियस का डेंसिटी, सबका डेंसिटी क्या होगा, सेम होगा, ओके। और डेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, हमने देखा था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले, ये होता है 2.3 × 10^17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आपको उसे इतना कैसे आया, ये वैल्यू आप रख करके, आपको सब कुछ पता है इसमें, आप रखो और वैल्यू निकाल के देख लो, यस। तो न्यूक्लियस का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, 1 milliliter में 1,00,000 हाथी के मास के बराबर होगा, 1 milliliter में। अब जरा सोचो कि मतलब हम लोग पूरा तो एटम्स मिलकर बने हुए हैं, और हमारा मास मान लो कितना है, मान लो मैं 60 किलो का हूँ, सपोज मैं 60 kg का हूँ, राइट। तो बच्चों मेरे में अगर पूरा जगह खाली नहीं होता, मतलब 1 milliliter न्यूक्लियस में 10^11 kg है पर ml में, अगर मैं मेरे अंदर जो एटम है वो जगह खाली ना होता, अब पूरा भरा होता न्यूक्लियस के डेंसिटी से, तो बाप रे बाप कितना मास हो जाता यार, मतलब पृथ्वी के मास से ज़्यादा हो जाता, कैन यू थिंक ऑफ। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जब पूरा बॉडी है, या जो ये मैं मार्कर ये पेन यूज़ कर रहा हूँ, इसे मैक्सिमम जगह खाली है, मैक्सिमम जगह खाली है, लेकिन किस लेवल बात कर रहे हैं हम लोग एटॉमिक लेवल बात कर रहे हैं, एटम के अंदर जाके हम देखें उसे पूरा जगह खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली है, अगर उसको भर दिया जाए तो हंगामा हो जाएगा, मतलब अगर उतना मास मेरा हो जाए मैं छेद के नीचे निकल जाऊँगा, उधर क्या है, अमेरिका है ना हमारे पीछे, उल्टा अमेरिका में निकल जाऊँगा मैं, छेद दूंगा मैं, इतना ज़्यादा मास हो जाएगा, कैन यू थिंक ऑफ, इसका मास बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। ये देखो ये मैडम जो है पूरा आश्चर्य, इनकी आंखें पूरी फैली हुई हैं, आश्चर्यचकित हो गई, बाप रे बाप हाउ इट कैन बी। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, कि यहाँ मैंने आपको अभी ये बताया, ओके, मैंने आपको ये सिखाया कि डेंसिटी न्यूक्लियस का हर एटम के लिए सेम होता है, क्यों ऐसा होता है, इसका रीजन तुम अगर ब्रीफली जानना चाहते हो तो जान सकते हो, वैसे बता दिया मैंने, मास इज प्रोपोर्शनल टू ए, जैसे जैसे मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मास बढ़ेगा, और हमने अभी भी देखा बच्चों वॉल्यूम इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू ए,
जैसे से मास ना बढ़ेगा वैसे वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब दोनों का दोनों सेम, दोनों दो गुना हुआ, दोनों चार गुना हुआ, दोनों ऐसा नहीं कि बड़े एटम का मास सेम होता है, लेकिन उसका जिस रेशियो में मास बढ़ रहा है उसी रेशियो में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। ये दोनों क्या हो गया बच्चों, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए डेंसिटी किसी भी एटम का कॉन्स्टेंट होता है। और सरप्राइज करना, अपने घर बोलना कि इस मार्कर के अंदर पूरा जगह खाली है, कहाँ खाली है, तो भरा हुआ है। कहे नहीं 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 मैं एटॉमिक लेवल पर बात कर रहा हूँ, अगर इसको भर दिया जाए तो ये मार्कर, अब गुड़ा कर बता देना तुम कि 1 मिलीलीटर में 2.3 × 10^11 किलोग्राम है, कितना ज्यादा हो जाएगा। ऐसा करने से पता होगा आपके अंदर का साइंस जो बच्चा है ना बाहर निकलेगा, एंड यू विल एंजॉय दिस पार्ट। ओके नाउ नेक्स्ट बच्चों, अब रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, प्लेनेटरी मॉडल, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर मॉडल। सबसे पहले न्यूक्लियस की बात इन्होंने की थी, रदरफोर्ड साहब ने की थी। रदरफोर्ड साहब ने प्रोटॉन की भी खोज की थी, उसके चार्ज बाई मास की वैल्यू निकाली थी। रदरफोर्ड साहब ने अल्फा बीटा गामा इसी पे काम ही कर रहे थे वो। यस चलो, तो इन्होंने क्या बताया बच्चों रदरफोर्ड साहब ने कि भाई बहुत सारा जगह खाली है, बहुत सारा जगह खाली है, पहले तो न्यूक्लियस बना दिया इनका। देखो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव प्रोटॉन भरा हुआ है ना, पूरा पॉजिटिव भरा हुआ है, भर दिया है ना, उसको प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन विषय बताया था इन्होंने। और इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत दूर पे ऐसे चक्कर मार रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत दूर पे ऐसे चक्कर मार रहा है बहुत हाई स्पीड से। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन क्या अगर स्टेशनरी होगा तो, लोग बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर ना मारे तो, कि अगर ये चक्कर नहीं मारेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये इसको अपने अंदर खींच लेगा और वो हो जाएगा अनस्टेबल। ओके, ये कहा कि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से चक्कर मार रहा है, चक्कर मारेगा, मैं इसकी धीरे चर्चा करूँगा आपसे, कहीं ये वैसे ही चक्कर मार रहा है जैसे सूर्य किनारे किनारे पूरे ग्रह चक्कर मारते हैं। इसलिए इसको हम लोग प्लेनेटरी मॉडल भी कहते हैं, सोलर सिस्टम मॉडल, सोलर मॉडल भी कह सकते हो। ओके, सोलर मॉडल तो कहते हैं कि जैसे सूरज किनारे पृथ्वी चक्कर मारती वैसे चक्कर मार रहा है, बहुत हाई स्पीड से चक्कर मारता है। और ये अलग अलग ऑर्बिट्स में जिसमें चक्कर मारता है बच्चों, उसको इन्होंने बोला ऑर्बिट, या उसको बोलते हैं हम लोग शेल, शेल कक्षक बोलते हैं हिंदी में अपने, कक्षक। ओके, तो शेल बोला या ऑर्बिट बोला जिसमें बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। बच्चों ये देखो यहाँ दिखाया गया, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है और ये इसके पास बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, एनर्जी लेके ऊपर चला जा रहा है, एनर्जी नीचे ला रहा है, बहुत हाई स्पीड से चक्कर मार रहा है, वेरी हाई स्पीड। मैं इस बात पर आने वाला हूँ आपके लिए, अभी मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, फिर समझाता हूँ। सी, बहुत गौर से देखना बच्चों, अब क्या हो रहा है, कह रहे हैं कि भाई ये तो आपका न्यूक्लियस हो गया, ओके, इसमें प्रोटॉन भरा हुआ है और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है ये ऑर्बिट में। ओके, इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ चक्कर मार रहा है, राइट, वेरी नाइस। तो अब ये कोई भी चीज़ जब चक्कर मारती है, ध्यान समझो, कोई भी चीज़ चक्कर मारती है बच्चों, तो अगर इस पोजीशन की बात करूँ मैं, इस पोजीशन का मैं नाम देता हूँ, मान लो इसका नाम देता हूँ मैं ए, मैं इस ए पोजीशन की बात करता हूँ, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ओके, जो चक्कर मार रहा है। ओके नाउ सी, तो क्या होता है बच्चों कि ये न्यूक्लियस से जो लाइन मिलाया है ना, है ना, न्यूक्लियस जो लाइन मिलाया है ना, इसको बोलते हैं रेडियल डायरेक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियल, इस डायरेक्शन को बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन, न्यूक्लियस इसकी तरफ। और जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होता है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट बच्चों, टेंजेंट आपने शायद सुना ही होगा, या टेंजेंशियल, यू नो, ऐसे जैसे कोई रस्सी ऐसे चले ना, तो ऐसे टेंजेंशियल। तो हमेशा जब इस पॉइंट पे होता है तो वो देखो इधर इसकी वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी हमेशा इधर होती है, ऐसे यहाँ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी। तो हमेशा जो भी पार्टिकल होता है उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होता है, टेंजेंशियल। और ये देखो हमेशा चेंज हो रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज हो रहा है। यस नो, आपने पढ़ा है ना कि वेलोसिटी में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा या पढ़ाया जाएगा, वैसे 9th क्लास में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो बच्चों जब मूव कर रहा है तो आप देख रहे हैं पहले इधर मूव कर रहा था, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, कौन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से, इसकी वेलोसिटी जो है आई नो वेरी हाई। आगे हम लोग कैलकुलेट भी करेंगे, रदरफोर्ड साहब ने नहीं किया, आगे हम कैलकुलेट करेंगे, बहुत हाई स्पीड से चक्कर मार रहा है तो उसकी वेलोसिटी लगातार बदल रही है। और जब बदलेगी वेलोसिटी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, तो वो एक्सेलेरेट हो रही है, तो हम कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स आर
एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट हो रहे हैं। क्या क्यों एक्सेलरेट हो रहे हैं? क्योंकि उसका देखो इस ये जो इसमें चक्कर मार रहा है तो स्पीड नहीं बदल रहा है, मैग्नीट्यूड वही है, क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो कहें एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कितना वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना चेंज हुआ पर यूनिट टाइम। ओके, ये सब आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। और हम जानते हैं बच्चों कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आई बच्चों, ये आता है वी स्क्वायर बाई आर। अगर ये आर रेडियस पे चक्कर मार रहा है और इसकी वेलोसिटी वी है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? वी स्क्वायर बाई आर। ये कैसे आया ये आपको फिजिक्स में आगे पढ़ाया जाएगा, ये मेरा पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बट मैं अभी जितना डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान दोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए 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 हम लोग फिर से आते हैं अपनी बात पे। ओके चलो बच्चों, तो मैं आपको ये समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर मार रहा है, इधर रेडियल डायरेक्शन है, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इधर एक्सेलरेशन है कितना बच्चों? वी स्क्वायर बाई आर। और फोर्स कितना होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ये कितना हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इसको अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, अनुभव करना है, तो एक रस्सी लो, उसमें पत्थर का टुकड़ा बांध दो, बाकी आसपास के लोगों को भाई भग जाओ मैं कुछ करने वाला हूँ, उसको ऐसे ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अगर वो पता है जितनी तेज़ी से घुमाओगे ना, जितनी तेज़ी से, तो उस रस्सी पे उतना जोर पड़ेगा। अगर रस्सी कमज़ोर होगा तो टूट जाएगा और पत्थर जो है दूर चला जाएगा। ऐसा नहीं टूटने का पत्थर आके आपको लगेगा, आपको नहीं लगेगा, वो बाहर निकल जाएगा। बाहर मतलब एक्सेलरेशन बाहर जा रहा है, क्लियर? वो दूर की तरफ जाएगा। ऐसे टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, तो टेंजेंशियली वो फेंका जाएगा दूर, मतलब जहाँ टूटेगा वैसे दूर फेंका जाएगा। अब ये टूट क्यों रहा है, रस्सी क्यों टूट रहा है? देखो रस्सी क्यों टूट रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये वाला फोर्स लग रहा है। जी ये वाला फोर्स लग रहा है, किधर की तरफ? इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। ओके, जब टूटेगा तो इधर वाली वेलोसिटी से फेंका जाएगा, पत्थर दूर फेंका जाएगा। ओके, समझ गए आप मेरी बात को? तो पहली बात मैं क्या बताया आपको, वेलोसिटी जितनी तेज करोगे रस्सी के टूटने का चांस उतना ज़्यादा हो जाएगा। दूसरी बात, अगर आप पत्थर भारी लोगे तो टूटने का चांस बढ़ जाएगा। तीसरी बात, अगर रेडियस कम लोगे तो टूटने का चांस बढ़ जाएगा। ये ध्यान समझो, रेडियस कम होगा ये आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। या अगर आप कभी पहाड़ी इलाकों पर गए हो जहाँ पे रास्ते यूं 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 टर्निंग वाले होते हैं, तो आप बस में बैठे हो तो जब बस ऐसे टर्न करती है ना, ऐसे टर्न करती है ऐसे तरफ, तो अगर आप इधर हो तो आप उधर की तरफ फेंका जाते हो, आप बस के उस वाले वाल से जाके चिपक जाते हो, या आपके बगल में जो आदमी होता है उसके ऊपर चढ़कते हैं, भैया दूर रहो यार क्या कर रहे हो, आप अपने से नहीं कर रहे हो, आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा? ये वाला एम वी स्क्वायर बाई आर। तो बस ना गिरे इसलिए क्या किया जाता है, उस उधर जो फोर्स लगता है बस के, मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, मैं कह रहा हूँ अगर कोई बस ऐसे चलती है ऐसे रोड पर, तो मान लीजिए बस ऐसे जा रही है ना, तो जो यहाँ आदमी बैठा होता है उसको इधर की तरफ फोर्स लगता है। आप एक्सपीरियंस करना, बस ऐसे जा रही है, तो ये फोर्स कहाँ से आया? यही वाला फोर्स है। भैया मैं क्या कर रहा हूँ यार, धक्का मेरे ऊपर लग रहा है, मैं क्या करूँ, ऐसे बोलता है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है, जैसे एम वी स्क्वायर बाई आर, इसको बोलते हैं हम लोग, ये सेंटर से दूर की तरफ जा रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको एक्सपीरियंस के लिए बताया कि फोर्स कहाँ से आया, कि जब कोई रस्सी को बांध के अपने ऐसे चक्कर मारोगे तो जितना तेज़ घुमाओगे वेलोसिटी ज़्यादा करोगे उतना उस पर फोर्स ज़्यादा लगेगा। जितना रेडियस छोटा होगा, तो पहाड़ों पे ना ये गिरने का खतरा ना हो इसलिए रेडियस को बढ़ाए होते हैं लोग, दूर ऐसे कम रेडियस चक्कर मारेगा बस तो पलटने का चांस ज़्यादा है, चोट ज़्यादा लगेगी, धक्का ज़्यादा लगता है, तो रेडियस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, ये वाला फोर्स है। अभी इलेक्ट्रॉन इधर गया क्यों नहीं? इलेक्ट्रॉन इधर न जाए इसलिए इस पर अंदर क्या बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि जितना फोर्स ये है उतना ही ये अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और दोनों हो जाएगा बैलेंस। ये दोनों बैलेंस हुआ, नेट फोर्स जीरो और इलेक्ट्रॉन स्टेबल है। तो कहें इतना तेज चक्कर मार रहा है कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाए। ये कौन सा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए थोड़ा और डिटेलिंग कर लेते हैं हम लोग।
मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 और Q2, इनके बीच में दूरी है R, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बच्चों वो होता है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको बोलते हैं कूलम्स ला। क्या बोलते हैं इसको? कूलम्स ला। ये कहाँ पढ़ाया जाएगा? फिजिक्स में। फिजिक्स का यार आधा कोर्स तो मैं ही पढ़ा दे रहा हूँ, हैं? तो फिजिक्स वालों को तो मुझे पैसा देना चाहिए यार। बाय द वे चलो, दुनिया में कोई एहसान काम आता नहीं। के बच्चों एक यूनिट है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू होती है 9×10⁻⁹ SI यूनिट में, ओके। तो अगर दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 है R दूरी पर, तो फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलो अब इसका हम लोग यूज करते हैं। अच्छा एक बात तो आपको पता ही है कि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा। अब भाई फिर से आ जाओ, अब देखो ये यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, हैं? और ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर इधर एक फोर्स लगा, इधर एक फोर्स लगा, ठीक है बच्चों? जो इधर फोर्स लगा है वो सेंट्रीफ्यूगल है, जो इधर फोर्स लगा है इलेक्ट्रोस्टैटिक है। मान लो इसमें जेड प्रोटॉन है, कितने बच्चों? जेड प्रोटॉन है। जेड क्या? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही चार्ज हो जाएगा, प्लस जेड ई। इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होगा बच्चों? माइनस ई। ये अटैक करेगा तो चलो तुम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको बस रख दो यार, ये कितना होगा बच्चों? के Q1 मतलब जेड ई इंटू Q2 बाई आर रेडियस आर स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू, ये होना चाहिए क्या होता बच्चों? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो रदरफोर्ड साहब ने कहा कि इलेक्ट्रॉन आर दूरी पर बहुत तेजी से चक्कर मारता है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, पूरा मास कंसंट्रेट है न्यूक्लियस का, खोज रदरफोर्ड ने किया। और वो इस तरह से चक्कर मारेगा कि दोनों फोर्स क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए। इसको बोलते हैं रदरफोर्ड्स का प्लेनेटरी मॉडल। इसके पहले थॉमसन साहब ने कुछ और कहा था, ये आपको अच्छी तरह पता है, ठीक है बच्चों? तो रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल आपको समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, मैंने बहुत कोशिश की। नाउ अब अभी तक जितना पढ़ाया कुछ कॉन्सेप्ट चेक कर लो, आप कुछ सवाल ट्राई कर लो, ठीक है? देखो बताना आपको रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट में विच एस्टेब्लिश द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ। इनमें चार ऑप्शन दिया है, आपको करेक्ट आंसर करना है। लेट्स सी बच्चों, देखते हैं हम लोग। तो बहुत सारी बातें कही हैं, तो बीटा पार्टिकल का यूज़ किया नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। गामा का यूज़ किया नहीं, इसकी बात नहीं करेंगे। हीलियम एटम का भी यूज़ नहीं किया था यार, हीलियम न्यूक्लियस का यूज़ किया था। नहीं, हीलियम एटम अल्फा नहीं होता। तो आंसर इज डी। अब देखो ये IIT का सवाल है, नहीं देख के आश्चर्य लगता है, सोच रहे हो गया यार तो मेरा IIT बना तय है, मेडिकल वाले कह रहे हैं तो मेडिकल में क्या आता होगा? सुने IIT बहुत कठिन होता है और ऐसा है, तो मेडिकल में तो लड्डू आता होगा जरूर दोस्त, ऐसा ही होता है। लेट्स सी अगला क्वेश्चन। विद वॉट वेलोसिटी शुड एन अल्फा पार्टिकल किस वेलोसिटी से ट्रेवल करे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम एज टू अराइव एट अ डिस्टेंस ऑफ 10⁻³⁰ मीटर फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एटम। एक बात और बताऊँ, जैसे मैंने कहा था बाउंस बैक हो जाता है, तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं घुसता, वहीं से बाउंस के सर्फेस से बाउंस बैक हो जाता है, ओके? तो आपको ये सवाल ट्राई करना है, वेलोसिटी बतानी है आपको अल्फा पार्टिकल की, वो कॉपर एटम के ऊपर बम्बार्डिंग किया जा रहा है, ठीक है? चलिए हम लोग डिस्कस कैसे करना है। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, यू नो, बहुत ही शानदार सवाल है ये। इसमें क्या कह रहा है बच्चों, वो समझो आप ध्यान से। कह रहा है कि ये यू नो विद वॉट वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल ट्रेवल करे टूवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ कॉपर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जीरो। काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो नाउ यू नो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। और ये के मतलब 9×10⁹ चार्ज Q1 अल्फा पार्टिकल का 2E के बराबर, Q2
Q2 ये इस न्यूक्लियस का 29 कॉपर के अंदर 29 प्रोटॉन होते हैं। कितने प्रोटॉन बच्चों? 29 प्रोटॉन। बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, आसान लग रहा है। ये 29 इंटू ई के बराबर बाई आर, आर हमको दिया हुआ है, कहाँ दिया यार, ये डिस्टेंस दिया 10^-13। इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी, ये क्या मास, क्या बच्चों मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास कितना होगा 4 AMU के बराबर। सब कुछ तो पता है यार, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। समझ गए आप लोग, इसको कहीं कहीं बोला जाता है, समझ गए आप लोग। चलो मैं इसको डिलीट मार देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इसको बहुत बार एग्जाम से पूछा जाता है बच्चों, इस सवालों में कई पूछा गया है, इसे पूछा जाता है बच्चों, फॉर दूसरी भाषा में फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच, ऐसा टर्म यूज किया जाता है। डिस्टेंस नहीं दिया, का फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच, और कह दिया उसके न्यूक्लियस का रेडियस इतना है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कुछ दे दिया, आर नॉट कुछ दे वैल्यू दे दिया। तो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस को पार नहीं कर सकता, तो जाते जाते यहीं पर रुक जाएगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच कितना हो बच्चों? आर नॉट, और डिस्टेंस हो गया आर नॉट। समझ गए आप लोग? तो इसमें करना क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जितनी एनर्जी यहाँ होगी उतनी एनर्जी यहाँ पे होगी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? उसके प्रभाव से दूर है, हम धरती माँ के प्रभाव से दूर हो जाएंगे, धरती माँ का पोटेंशियल एनर्जी हम पे जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसके प्रभाव इफेक्ट इन्फ्लुएंस में आ गया। सिमिलरली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ वेलोसिटी जीरो हो गई। तो हम लोग सिंपली ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच लिखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग सवालों को क्या बोलेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आपको आर दिया होगा, क्यू वन क्यू टू सब दिया होगा, वेलोसिटी निकाल लोगे, ऐसे सवालों कर लोगे पक्का। समझ गए आप लोग? मैंने कहा कि कई बार सवाल में पूछा जाता है कि कैलकुलेट फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच, कैलकुलेट फॉर क्लोजेस्ट अप्रोच, वहाँ पे डिस्टेंस नहीं दिया होता है। अब क्लोजेस्ट अप्रोच की मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। ओके सी देखो, सवाल में कह रहा है बच्चों ये कॉपर का न्यूक्लियस है, कितना चलता है 29E के बराबर। कॉपर के न्यूक्लियस में 29 प्रोटॉन्स होते हैं, तो 29+29E चार्ज होगा। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल बच्चों, अल्फा पार्टिकल जो इसकी तरफ जा रहा है, अब देखो अल्फा पार्टिकल चार्ज क्या होगा, +2E के बराबर। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये इसको रिपेल करेगा, बोलो यस नो, वेरी गुड। तो यहाँ इसको वेलोसिटी वी दिया, अब धक्का दे रहा है, धक्का देते मान लो यहाँ डी डिस्टेंस आया, यहाँ आते वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, जीरो। ओके समझ गए आप लोग? ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, न्यूक्लियस के अंदर तो अल्फा नहीं घुस सकता ना यार, क्यों, न्यूक्लियस में वेरी हाई मास कंसंट्रेट है, आ ही नहीं सकता, तो मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है। तो पता नहीं, मुझे इससे मतलब नहीं है, सवाल में कह रहा है कि यहाँ तक पहुँचा है, कह रहा है न्यूक्लियस से 10^-13 मीटर तक है। अब 10^-13 मीटर कहाँ तक है हमसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कई बार सवालों में ये न दे करके लिखा होता है क्लोजेस्ट अप्रोच। जब क्लोजेस्ट अप्रोच की बात करेगा तो न्यूक्लियस के रेडियस तक पहुंचा दोगे, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। तो या तो न्यूक्लियस का रेडियस सवाल में देगा, या उसकी उसका कुछ फॉर्मूला कुछ दे देगा, वो आर इजक्वल टू आर नॉट a^1/3, या फिर वैल्यू दे देगा। तो क्लोजेस्ट अप्रोच बोलता है तो यहाँ तक जाकर रुक दोगे। अब डिस्टेंस दिया है तो फालतू माथा मारने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल हमने वेलोसिटी दिया और यहाँ जाकर उसकी वेलोसिटी हो गई जीरो। गौर सुनो, यहाँ पे जितनी एनर्जी होगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दैट मस्ट बी इक्वल टू यहाँ पर जो होगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। नाउ बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसका, जीरो, क्यों, उसके न्यूक्लियस से बहुत दूर है। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी वी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी हो गई जीरो। पोटेंशियल जी कितना होगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी क्या होता है, आप कोई फील्ड होता है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उसके प्रभाव में रहोगे तो वो फील्ड आपके ऊपर एनर्जी लगाएगी, उस फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से आपके ऊपर एनर्जी हो जाएगा। आप सिंपल समझो, अपनी माँ से दूर रहते हो, माँ के पास आते हो, तो माँ के प्रभाव में आते ही आपकी कुछ एनर्जी लेवल, बॉडी लैंग्वेज चेंज कर जाता है, दैट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द फील्ड, यू नो। तो पोटेंशियल कितना बच्चों, K
Q1 Q2 K बाई R। K क्या है 9 × 10⁻⁹। तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो जितनी अल्फा पार्टिकल की एनर्जी यहाँ होगी उतनी ही एनर्जी यहाँ होगी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी था, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R। नाउ अब इसको हम लोग कर लें सॉल्व। सॉल्व करते ही सवाल हमारा बन गया। लेट्स पुट द वैल्यूज बच्चों। हाफ अल्फा पार्टिकल का मास कितना होगा 4 AMU। AMU पता है ना, V स्क्वायर वेलोसिटी पता है, नहीं पता है, निकालना है K। 9 × 10⁹ इंटू चार्ज कितना बच्चों, अल्फा पे 2E, उसके न्यूक्लियस पे 29E बाई R। रेडियस कितना 10⁻³ मीटर। रख के सॉल्व करो, वेलोसिटी निकल जाएगी। समझ आया, मज़ा आ गया बच्चों? ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए भाई अगला कुछ क्वेश्चंस क्विज कर लेते हैं आज के लिए हम लोग। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम द एटम हैज। ये एक लॉलीपॉप क्वेश्चन जनहित में जारी सबके लिए, लॉलीपॉप क्वेश्चन। समय है आपको कुल 30 सेकेंड्स मिलता बच्चों, 30 सेकेंड में उत्तर करना है लॉलीपॉप क्वेश्चन का। रेडी हो आप लोग, बताओ। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द न्यूक्लियस हैज। ये भी IIT में आया था। पता अभी आसान क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, आंसर होगा न्यूक्लियस। कुछ लोग ऐसी गलतियां परीक्षा में भी करते हैं, NU पढ़ के इसको बोल दिए, न्यूट्रॉन बोल दिए। अरे यार, न्यूट्रॉन तो चैडविक खोज किए थे। आंसर इज न्यूक्लियस, सी। और 99.99% लोगों ने सही किया। तुम लोग कमाल के हो। वैसे लॉलीपॉप क्वेश्चन भी था। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जम के पढ़ो। और हम लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं कि कि हमको वो चीज़ सिर्फ समझ में ना आए, ऐसा लगे कि हम खुद ही उसको खोजे हैं। जब किसी चीज़ से बहुत जुड़ जाते हो ना, तो लगता है आपने ही खोजा है। बट इसके लिए आपको डूबना पड़ेगा। और हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको एक चीज़ गारंटी देता हूँ कि पूरे दुनिया में इससे अच्छा इस कंटेंट पे काम नहीं किया जा सकता जितना मैंने अभी तक पढ़ाया। तो आप मेरा साथ दो, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। आपको ये टेक्नोलॉजी, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही है, डे एंड नाइट वर्क कर रहे हैं यार, सही बता रहा हूँ आपको। ये एक और बोर्ड ले आया हम लोगों ने, ताकि कभी ये फ्लॉप हो जाए दूसरा बोर्ड शुरू कर लें। एक और कैमरे, सब कुछ सारा सेटअप रिप्लीकेट कर दिया हमने। तो आप लोग वहाँ बैठ के हमारा साथ दो, ताकि हम आपको सफल बनाने में, आपको क्लिक कराने में हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।